हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 34 है बेटा। सिलेबस थोड़ा जल्दी करना है तो इस वजह से आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। आज हम करेंगे एग्जांपल 10। इससे पिछले वाले एग्जांपल्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्पल 10 देखिए क्या कह रहा है। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू वन एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन टू इज ऑन टू बट नॉट वन वन। क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, उसे समझते हैं। एफ है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और किस तरह दे रखा है कि वन एलिमेंट की इमेज वन और टू एलिमेंट की इमेज वन। और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस वन फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन टू। टू से बड़े के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है। बेटा टू तक तो वैल्यू दे ही दी है, वन की वैल्यू दे दी है, टू की वैल्यू दे रही है, और एक्स जब टू से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन वन वन नहीं है और ओन टू है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन वन की डेफिनेशन रिवाइज करें। हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, वन वन। क्या यहाँ पे ये बात लागू हो रही है, देखो यहाँ पे वन की इमेज भी क्या है, वन, और टू की इमेज भी क्या है, वन। दो एलिमेंट्स की है तो सेम इमेज होगी, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज कहाँ हुई, नहीं हुई ना। तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है। सो एफ इज नॉट वन वन एज टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज। डोमेन यहाँ, ये डोमेन, ये कोडोमेन, यहाँ के दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो गई है। वन वन में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट की हमारे पास डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं ओन टू की। ओन टू के लिए क्या करते हैं, ओन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि यहाँ वाले हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आनी चाहिए, ठीक है। वन की इमेज तो हमें दे रखी है, वन की प्री इमेज तो हमें दे रखी है, ठीक है। अब वन से अदर देन एलिमेंट के लिए फंक्शन डिफाइंड है, उसको डिस्कस करते हैं। ऑन टू के लिए बताया था, अगर आपको फंक्शन दे रखा है, डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं दे रखे, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। लेट वाई हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर मान लिया, और वाई कैसे माना है, यहाँ से माना है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने रखी एक्स माइनस वन, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली, और देखा क्या वो हमारी डोमेन में है। हाँ, कोई भी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे उसमें वन ऐड करेंगे, नेचुरल नंबर से ही कोई वैल्यू उठाएंगे उसमें वन ऐड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा। दस हर एक वाई कोडोमेन के लिए हमें एक ऐसा एक्स मिल गया सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ये काम आपको करके दिखाना है। एफ ऑफ एक्स, एक्स किसके बराबर है, वाई प्लस वन के, तो एक्स की जगह क्या लिख दिया, वाई प्लस वन, ठीक है। और अब फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x हो तो x में से एक घटाना है, यहाँ पे x की जगह क्या है, y प्लस वन, तो y प्लस वन में से एक घटा दिया, कैंसिल आउट होके क्या आ गया, y। हमने क्या कह दिया कि हर एक y के लिए, हर एक y जो कोडोमेन है उसके लिए हमें एक ऐसा x डोमेन में मिल गया सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। और ओन टू को प्रूव करने का यही तरीका है बेटा। तो हम क्या कह देंगे कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, दस एफ इज ऑन टू। तो इस फंक्शन में हमने दिखा दिया कि ये वन वन नहीं है और ये कैसा है, हमारा ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल। अब आपको डोमेन कोडोमेन क्या दिए हैं, रियल टू रियल दिए हैं। डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू। क्या कहा गया है कि ये जो फंक्शन है ये ना ही तो वन वन है और ना ही ओन टू है। देखिए जरा, वन वन में हम क्या करते थे, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो जाते हैं। रैंडमली हमने दो एलिमेंट रख के देखे, जब हमने x की जगह वन रखा तब भी वैल्यू वन आई है, जब हमने x की जगह माइनस वन रखा तब भी वैल्यू आई है। ये तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी, वन वन की कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हुई नहीं, तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं हुआ, ठीक है। क्या हो गया, सो F is not one one as two elements of domain have same image. अब ओन टू की बात करते हैं। ओन टू के लिए क्या होता है, आपके पास ये डोमेन, ये कोडोमेन, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। वन की इमेज वन आ रही है, माइनस वन की इमेज वन आ रही है, टू की इमेज फोर आएगी इस तरह से। यहाँ पर रियल नंबर है ये,
यहाँ पे माइनस वाले एलिमेंट क्या किसी की इमेज बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कौन सी इमेज बन रहे हैं, नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो माइनस वाले टर्म है, यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री रियल है, रियल में तो सारे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ऐसे हैं जो किसी की भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। एफ इज नॉट ऑन टू एज नेगेटिव नंबर इन को डोमेन विल नॉट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट एक्स, यहाँ वाले एलिमेंट किसी की भी इमेज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑन टू क्या कहता है कि यहाँ वाले सारे एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज बने, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा कैसा डिफाइंड है कि यहाँ पे वैल्यू रखें तो उसका स्क्वेयर के साथ अटैच हो। अब माइनस वाला तो किसी का स्क्वेयर होता नहीं ना, तो ये आपके पास ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 12। फंक्शन क्या है, नेचुरल से नेचुरल नंबर है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, अगर एक्स ओड है तो वैल्यू आ रही है एक्स प्लस वन, और अगर एक्स इवन है तो वैल्यू क्या आ रही है एक्स माइनस वन। आपने प्रूव करना है कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। एक इम्पोर्टेंट बात और बताते हैं बेटा आपको, कि जो फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायजेक्टिव फंक्शन। अगर वन वन हो तो इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू हो तो उसे सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और अगर दोनों ही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बायजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे कंडीशंस हैं, अगर x ओड है तो अलग वैल्यू है, x इवन है तो अलग वैल्यू है। तो पहले हम वन वन को देखते हैं, तो हम सारी कंडीशंस को देखेंगे। देखो जरा, हमने कोई भी रैंडमली दो नेचुरल नंबर हमारे डोमेन से उठा लिए। अब दोनों ही हमने कैसे उठा लिए, ओड नेचुरल नंबर उठा लिए, इस तरह से उठा लिए कि दोनों की इमेज बराबर है। देखो वन वन में हम कैसे प्रूव करते थे, या तो हम एलिमेंट इक्वल लेके चलें, उनकी इमेज को बराबर कर दें, या एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलें, उन एलिमेंट्स को बराबर रख दें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो रेंडमली एलिमेंट्स इस तरह से उठाए कि दोनों हमने ओड ही उठाए, और क्या कहा कि उनकी इमेज बराबर है एफ ऑफ एक्स वन। अब ओड की कंडीशन में क्या है, एक्स वन प्लस वन है, तो यहाँ पे x1 प्लस वन, एक्स टू प्लस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल टू x2। हम एलिमेंट की इमेज लेके इक्वल चले और एलिमेंट इक्वल आ गए। जब दोनों ओड नंबर है तो ये फंक्शन हमारा क्या है, वन वन है। अब बात करते हैं जब दोनों इवन नंबर हो, जब दोनों ही इवन नंबर हो तो हम एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चले, वैल्यूज रखी, एफ ऑफ एक्स वन इवन के केस में है x में से वन घटा दो, तो x1 है तो x1 में से हमने 1 घटा दिया, यहाँ पे x2 है तो x2 में से हमने 1 घटा दिया, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट, और यहाँ पे x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। तो अगेन बेटा हम इमेज इक्वल लेके चले, हमारे एलिमेंट इक्वल आ गए, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1। हमने दो केस डिस्कस कर लिए कि दोनों ही अगर ओड नंबर हों तो भी फंक्शन 1 1 होगा, दोनों ही अगर इवन नंबर हों तो भी फंक्शन 1 1 होगा। अब इवन ओड भी तो हो सकते हैं, वो कंडीशंस भी रहेगी। अगर x1 आपका इवन है और x2 ओड है, अब ये दोनों नंबर अलग अलग हो गए, यानी कि दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, x1 बराबर नहीं है x2 के। अब x1 आपका इवन है और इवन होता है तो वैल्यू क्या है, x1 माइनस वन, x माइनस वन, तो यहाँ पे x1 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 माइनस वन। x2 आपका ओड है और जब ओड होता है तो वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, x2 प्लस वन। जब दो नंबर इक्वल ही नहीं हैं तो उनमें से किसी में एक घटा रहे हैं, किसी में एक जोड़ रहे हैं, वो तब भी इक्वल ही नहीं होंगे। तो ये क्या वैल्यू है, f ऑफ x1, और ये क्या वैल्यू है, f ऑफ x2। हम दो एलिमेंट बराबर नहीं लेके चले और उनकी इमेज भी बराबर नहीं आई, तो अगेन इस केस में भी ये फंक्शन हमारा कैसा बन गया, वन वन बन गया। अब फोर्थ क्या है पॉसिबिलिटी, कि x1 तो हमारे पास ओड हो और x2 हमारे पास इवन हो। अब वही बात है, जब ओड और इवन है मतलब एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो इस एलिमेंट में चाहे 1 ऐड कर दो और इस एलिमेंट में चाहे 2 माइनस कर दो तो भी ये बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे हमने 1 ऐड और यहाँ पे हमने 1 माइनस ही क्यों किया, क्योंकि x1 ओड दे रखा था, जब ओड हो रहा है तो हम उसमें प्लस 1 कर रहे हैं, और इवन हो रहा है जब उसमें माइनस 1 कर रहे हैं।
तो हमने क्या कह दिया, इसमें प्लस वन ऐड करके दिखा दिया, इसमें माइनस वन ऐड करके दिखा दिया, एलिमेंट बराबर हैं ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी क्या आ जाएगी, ये बराबर नहीं रहेंगे। एक्स वन प्लस वन किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स वन की, ये किसकी वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स टू की। एलिमेंट्स बराबर नहीं थे, उनकी इमेज भी बराबर नहीं है, तो फंक्शन आपका वन वन नहीं, वन वन है, ठीक है। यही केस होते हैं ना, या तो इमेज बराबर लेके चलो एलिमेंट बराबर आ जाए, या एलिमेंट बराबर लेके चलो इमेज बराबर आ जाए, या एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं है, और अगर एलिमेंट बराबर, अगर इमेज भी बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं है। चारों ही केस में हमारा फंक्शन क्या होता है, वन वन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वन वन फंक्शन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू कैसे है। ऑन टू में भी हम सारी ही कंडीशन देखेंगे। देखिए जरा कैसे, हमारे पास दो कंडीशन दे रखी हैं कि फंक्शन ओड है या एक्स हमारे पास ओड है या इवन है। हमने क्या कहा, वेन वाई हमने कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया, और केस हमने ये माना कि एक्स हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। अगेन एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। जब ओड के केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन है, इक्वल टू वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली। अब हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे और उसमें से वन घटाएंगे तो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, यानी कि हमें हमारी कोडोमेन के लिए एक ऐसा एलिमेंट यहाँ डोमेन में एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ये होती है हमारी ऑन टू की कंडीशन। तो हमने यही कह दिया कि हर एक वाई के लिए हमें एक ऐसा एक्स मिल जाएगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अगेन ये आपको करके दिखाना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई माइनस वन। और जब फंक्शन में रखते हैं और ओड नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें वन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे y माइनस वन में वन ऐड कर रहे हैं, वन से वन कैंसिल आउट, क्या आ गया y, f ऑफ x इक्वल टू y। और ये कंडीशन हमारी किसकी है, ऑन टू की। तो जब x ओड है तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। अब सेम हम इवन के केस में करेंगे, x हमने क्या ले लिया, इवन ले लिया, और अगेन y कोई आर्बिट्री नंबर है, f ऑफ x इक्वल टू y। इवन के केस में f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस वन, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या वो हमारे डोमेन में है। अगर किसी भी नेचुरल नंबर में वन ऐड करोगे तो वो आपका नेचुरल नंबर ही रहेगा, ठीक है। यानी हर एक y के लिए अगेन हमें ऐसा x मिल गया सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। ये भी आपको करके दिखाना है, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा x मिल रहा है, चाहे वो ओड है इवन है, दोनों ही केसेस में हमने ये कर लिया कि उसकी क्या मिल रही है, हमें प्री इमेज मिल रही है डोमेन में, तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, ऑन टू आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जरा, एग्जांपल 13। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन 1 2 3 से लेकर 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक ऑन टू फंक्शन आपको गिवन है 1 2 3 से लेकर 1 2 3 तक, और ये हमेशा क्या होगा, 1 1 हो गया। लेट हम उल्टा मान लेते हैं, हम क्या कहते हैं कि 1 1 नहीं है। देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है आपके, 1 2 और 3, और यहाँ पे भी एलिमेंट क्या है आपके, 1 2 और 3, ऐसा दे रखा है फंक्शंस, ठीक है। हमने क्या कह दिया कि ये फंक्शन 1 1 हमने प्रूव करना था, तो हमने अपोजिट मान लिया कि ये फंक्शन क्या है आपका, 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो यानी कि किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज एक हो जाएगी। हम 1 की भी इमेज 1 कर देते हैं और हम 2 की इमेज भी 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक ही एलिमेंट बचा फंक्शन है, तो ये एलिमेंट किससे अटैच होगा, फंक्शन की डेफिनेशन तो ये कहती है ना, यहाँ का हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं इमेज बनाना चाहिए। तो यहाँ का एलिमेंट मान लो 2 से बना रहा है, लेट मान लो 2 से बना रहा है, तो ये कंडीशन सारी होगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो एक एलिमेंट खाली रह गया, यानी कि ये फंक्शन हमारा क्या रह गया, ऑन टू नहीं हुआ, पर गिवन तो हमें ऑन टू दे रखा था, इसलिए हमने जो एज्यूम किया वो गलत एज्यूम कर लिया। और हमने गलत एज्यूम कर लिया क्या, कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन तो हमारा हमेशा 1 1 होगा। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, क्या कहा गया है, 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 आपके डोमेन में, 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 आपके कोडोमेन में। इसने क्या कहा है कि ये फंक्शन ऑन टू है और ये 1 1 ही होगा। हमने कह दिया कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, उल्टा मान के चले 1 1 नहीं है, तो दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही बनेगा, ठीक है। और क्योंकि फंक्शन है तो ऑब्वियसली 3 भी कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, मान लो 2 पे बना लिया,
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो किसी की इमेज नहीं है, इस हिसाब से तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये ऑन टू ही नहीं हुआ, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्स दैट द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, बट हमें गिवन क्या दिया हुआ था, हमें तो गिवन ही दिया हुआ था कि ये फंक्शन ऑन टू है, इसलिए हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी, हमने कुछ गलत मान लिया। और हमने गलत क्या मान लिया कि ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये फंक्शन आपका वन वन होगा। और लास्ट एग्जाम्पल और देखिए जरा, शो दैट अ वन वन फंक्शन 1 2 3 से लेकर 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू, कि एक वन वन फंक्शन कैसा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और ये वन वन फंक्शन है, ध्यान रहे ये पक्का ऑन टू होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, तीन एलिमेंट्स यहाँ हैं और तीन एलिमेंट्स यहाँ हैं, वन वन में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आएगी, यानी कि यहाँ पे कोई खाली रहेगा ही नहीं, और यहाँ पे कोई खाली रहेगा नहीं, मतलब ये फंक्शन आपका कैसा आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। और हमें यही दिखाना था कि ये फंक्शन वन वन तो है, ये पक्का ऑन टू होगा, तो यस ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा। होप कि बेटा आपको ये आज के एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, इनसे आप अपनी नोटबुक को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और इसी तरह आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।